तो नेपाल में राजशाही का खात्मा हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार हो रही राजनीतिक उठापटक वहाँ की राजनीति में हमेशा चर्चाओं का बाजार गर्म रखती आ रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन हर पार्टी इसे अपनी तरह मोड़ तोड़ कर इस्तेमाल कर रही है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे नेपाल एक बार फिर बड़े नेताओं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते सुर्खियों में आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। एक बार फिर नेपाल की सियासत उबाल पर है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। प्रचंड और ओली के बीच गठबंधन टूटने का मुख्य कारण यह है कि प्रचंड ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल का समर्थन करने का फैसला किया, लेकिन इससे प्रचंड सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वह नेपाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाएंगे, जिनकी सांसद में 89 सीटें हैं। हाँ, अब इस बात की पूरी संभावना बन गई है कि आगामी 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले उप प्रधानमंत्री राजेंद्र लिंगदेन समेत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और वह भी सरकार में हिस्सेदारी दे रहे थे और उनके पास 14 सांसदों की संख्या थी। लेकिन आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि नेपाल में जोड़ तोड़ की सरकार का गणित असल में है क्या। नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस समय 275 सीटें हैं और इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 138। पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरे नंबर पर केपी शर्मा ओली की CPN-UML रही थी। वहीं पुष्पा कमल दहल प्रचंड की पार्टी CPN माओइस्ट सेंटर 32 सीटें लेकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी। नेपाल में 2 महीने पहले प्रचंड की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी। तय ये हुआ था कि शुरुआती 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद CPN-UML के मुखिया केपी शर्मा ओली कुर्सी संभालेंगे। 2 महीने तक सरकार ठीक ठाक चली। अब चूंकि 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होना है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस लिहाज से प्रचंड को गठबंधन सरकार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस NC के कैंडिडेट रामचंद्र पौडियाल का समर्थन करेंगे। प्रचंड के इस कदम से ओली की पार्टी CPN-UML भड़क गई। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस ने पौडियाल के दावे को मजबूती देने के लिए 8 पार्टियों के नेताओं की टास्क फोर्स बना दी। इससे भी बड़ी बात ये तय हुई कि यह टास्क फोर्स की मीटिंग प्रचंड की अगुवाई में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में हुई। इन पार्टियों के सांसदों से कहा गया कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग से 2 दिन पहले यानी 7 मार्च को काठमांडू पहुंच जाएं। प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की। गठबंधन में आई दरार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 3 मार्च को होने वाला अपना कतर दौरा रद्द कर दिया है। 3 मार्च से कतर की राजधानी दोहा में सबसे कम विकसित देशों की 5वीं कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ओली के नेतृत्व वाले UML ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बांग को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब जब सरकार टूट चुकी है तो नए राजनीतिक गठजोड़ के गणित को देखते हुए पौडियाल की जीत लगभग तय लगती है। ओली अब उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन उन्होंने पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन के बावजूद पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ गठजोड़ किया था। काठमांडू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि साजिश और विश्वासघात पर आधारित पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नेपाली कांग्रेस के साथ प्रचंड का गठबंधन करने का कदम मौजूदा गठबंधन को तोड़ने और आने वाले महीनों में अधिक मिस्ट्रस्ट और पॉलिटिक क्राइसिस को बढ़ा देगा। यह नेपाल की राजनीति का खेल बन गया है जो वहाँ के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हमेशा सत्ता पाने के लिए बारी बारी खेला जा रहा है। इसमें लोकतंत्र, हिंदुवाद एवं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जैसे ऊंचे ऊंचे आदर्श अपॉर्चुनिज्म की भेंट चढ़ जाते हैं। नेपाल के सभी बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जैसे पौडेल, देउबा, ओली, प्रचंड और माधव नेपाल। फिलहाल ये नेपाली कांग्रेस के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे UML दूसरे सबसे बड़ी पार्टी ने मात दे दी थी, जिसने CPN माओइस्ट सेंटर जो की सांसद में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया था। उस समय नेपाल कांग्रेस सत्ता बचाए रखने के लिए विफल रही थी, क्योंकि शेर बहादुर देउबा पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए प्रचंड के दबाव के आगे नहीं झुके। ऐसे में नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए देउबा की बजाय पौडियाल का नाम आगे कर दिया है। 68 साल के प्रचंड पिछले साल 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ प्रीपोल अलायंस तोड़कर उसे धोखा दे दिया था और CPN-UML ओली के साथ चले गए थे।
अब ओली को धोखा दिया और नेपाली कांग्रेस के साथ चल दिया। उन्होंने दोनों ही बार अपने सियासी हित देखे। इसमें खास बात यह है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो प्रचंड को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी, और जब प्रचंड नहीं माने तो नेपाली कांग्रेस ने गठबंधन छोड़कर ओली को प्रचंड से हाथ मिलाने का मौका दे दिया था। CPN UML के गठबंधन छोड़ने से फिलहाल प्रचंड सरकार पर असर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि CPN UML के पास 69 सांसद थे। उसके अलायंस छोड़ने के बाद नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएगी। इसके पीछे सौदेबाजी भी साफ है। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडियाल राष्ट्रपति बन जाएंगे। दूसरी तरफ प्रचंड को शायद 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी ना छोड़नी पड़े। इसकी वजह यह है कि CPN UML और ओली इस शर्त पर सरकार और गठबंधन का हिस्सा बने थे कि पहले 2.5 साल प्रचंड कुर्सी पर रहेंगे और इसके बाद ओली। अब चूंकि ओली ने गठबंधन छोड़ दिया है तो प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना फिलहाल टूट गया है। ओली की पार्टी का आरोप है कि प्रचंड ने उसे गठबंधन छोड़ने पर मजबूर किया। वो मंत्रियों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि प्रचंड ने फॉरेन मिनिस्टर बिमला राय पौडियाल को काठमांडू एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जिनेवा जा रही थी। प्रचंड के बारे में आपको एक बात और बता दें कि वे नेपाल के राजशाही को खत्म करने वाला बड़ा चेहरा रहे हैं। 90 के दशक में नेपाल से राजशाही को खत्म करने वाले चेहरों में सबसे बड़ा नाम प्रचंड का ही रहा है। 25 साल तक अंडरग्राउंड रहने वाले पेशे से शिक्षक 68 साल के प्रचंड के नेतृत्व में उन्होंने 10 साल का संघर्ष चलाया था, और ये संघर्ष नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण रहा है। माओवादी इस संघर्ष को एक सिविल वॉर के रूप में देखते हैं। चितवन के नारायणी विद्या मंदिर में क्लास 10th में पढ़ते समय प्रचंड ने अपना नाम छविलाल दाहल से बदलकर पुष्प कमल दाहल रख लिया था। साल 1981 में पंचायत विरोधी आंदोलन में अंडरग्राउंड हुए प्रचंड 20 जुलाई 2006 को बालूवाटार में सबके सामने आए। अंडरग्राउंड रहते हुए उन्होंने कल्याण, विश्वास, निर्माण और प्रचंड नाम लिया। इससे पहले वे छविलाल से पुष्प कमल बने थे। जब वह शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे तब वह कल्याण नाम से जाने जाते थे। इसके बाद CPN मशाल के केंद्रीय सदस्य बनने पर वह विश्वास के नाम से जाने गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव में नेपाल में अभी क्या चल रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले 884 सदस्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में 334 फेडरल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और 550 प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्य हैं। भारत और चीन की भूमिका के बिना नेपाल की राजनीति पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। जाहिर है चीन चाहेगा कि CPN UML और CPN MC एकजुट रहें। इसी कड़ी में 2021 में काठमांडू में चीन की महिला राजदूत ने पार्टी को डिसॉल्व होने से रोकने की कोशिश भी की थी। ठीक इसके दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस के रूलिंग कॉलिशन में आने के बाद यह भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट देगी, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता है कि कब तक। यह बात जाहिर है कि नेपाली कांग्रेस एक सेंट्रल आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, लेकिन ओली ने उन ताकतों के साथ गठबंधन किया है जो राजशाही की वापसी चाहते हैं। अब लेन देन का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। नेपाली कांग्रेस का कैंडिडेट राष्ट्रपति बनेगा और प्रचंड प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन नेपाली कांग्रेस और प्रचंड के रिश्ते कभी लंबे नहीं चले, लिहाजा इस बार यह साथ कितना लंबा होगा इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाएं। इसी के साथ मिलते हैं मिस्टिकल लैंड की किसी और मजेदार वीडियो के साथ।